चांद गाड़ी खड़ी करने के बाद तनाजा पर ड्राइवरों के दरमियान फायरिंग, तीन अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि टिब्बा मोहम्मद नगर का हैसी साबर और अली, जबकि दूसरी तरफ अहमद अली नामी नौजवान चांद गाड़ियां चलाते हैं। उनके दरमियान चांद गाड़ियां खड़ी करने के मामले पर झगड़ा हो गया, जो लोगों ने मामला रफा दफा करवा दिया। बाजां तीनों जब टिब्बा मोहम्मद नगर गुलशन चौक पहुंचे तो दोनों ने मुसल्ला होकर एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। हमें दोनों तरफ से तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन अफराद की 13 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती ज्यादा करने की कोशिश। बताया गया है कि नवाही गांव नांगरे बट्टी की रिहायशी करामत की बेटी घर में अकेली मौजूद थी कि मुजमान यासर अमीर अली और राह और अहमद यार में घुस गए और उसके साथ जबरदस्ती ज्यादा की कोशिश करने लगे। मुजाहमत पर उसके जिस्म पर दंडियां भी काटते रहे। बच्ची के चीख भगा पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए तो मुजमान फरार हो गए। सदर पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। सरपरस्त तंजीम मुगलिया कामों की हाजी असगर अली मुगल ने कहा है कि कैनेडा में 4 पाकिस्तानियों के कत्ल ने दुनिया को झंझोड़ दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के मुसलमान हाल के सोग में हैं। उन्हें इन बेगुनाह और नहत्ते मुसलमानों ने दरिंदा नुमा कातलों का क्या बिगाड़ा था। उन्होंने कहा कि वाकई नफरत और मुनाफर इंसानियत के लिए जहरे कातल है। कैनेडा में